7th class, in today's English letter, our lesson number 3 of new number 1, and our story is Orpheus the Greek musician. And our main characters of the story are, first one is Orpheus, then wife of Orpheus, Eurydice, some villagers, then a woman. Now we will discuss the difficult word meanings of the story. First word is talented, gifted, rich, get into touch with, terrace, area of southeast, race, heritage, adorable, admirable, blessed, fortunate, unfortunately, unluckily, took place, occurred, decorate, adorn, stung, act of stinging, heartbroken, overwhelming, sorrow, boldly, daring, plunge, move in a violent manner, heal, cure, lawyer, old harp, opportunity, chance, melodious, pleasing to ear, suffering, hardships, give up, stop, enchanting, charming, throughout, end to end, countryside, rural area, approached, come near, flattered, compliment, slight, small, resemble, resemblance, similarity, amazed, surprised, smooth, refined. Okay, 7th class, except these word meanings, you will learn the book read meanings as well and learn the reading with the intonation. Now let's discuss the main theme of the story. First of all, we should learn about the mythology, that what is the term of the mythology. Mythology is a term in which the story that is traditional and supernatural being or imaginary people that narrates a common belief or explains some natural phenomenon. Mythological जो stories हैं ये जैसे हमारी इधर लोक कहानियाँ होती हैं, ग्रीक्स में भी इनकी जो stories हैं नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं जो हमें सुनाई जाती हैं, और इन stories में कुछ ट्रेडिशनल वाक्यात होते हैं या सुपर नेचुरल मीन्स माफुकल फितरत जिन परियां इस तरह किस्से कहानियां पाए जाते हैं, या फिर यह ख्यालात पर मुबनी होती है या ख्याली लोग इसमें परफॉर्म करते हैं किसी भी कॉमन बिलीफ को, आम अकीदे को, या फिर जिन परियों इन चीज़ों के बारे में होने वाले करिश्मात को वो बयान करते हैं स्टोरीज़ में. दिस इज़ the story of the Orpheus and this is the mythological story of the Greek. Orpheus was a great musician of the Greek ka wo bada aala musician tha, saaz bajata tha. He loved his wife a lot, apni wife se bahut pyar karta tha. He and his wife Eurydice always went everywhere together. हर जगह वो हमें साथ दिखाई देते थे. एंड वन डे ऑर्फियस एंड आयोडिसी वर कलेक्टिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. अ सर्पेंट स्टंग आयोडिसी एट वंस एंड शी डाइड इंस्टेंटली. एक सर्पेंट जो है अजदहा, सांप की किस्म है, वो उसे काट लेता है और वो उसकी डेथ उसी वक्त हो जाती है. दिस ग्रीफ was unbearable for Orpheus and he tried a lot but did not succeed to come back his wife from the Hades. बड़ी कोशिश करता है कि अपनी वाइफ को दोबारा जिंदा कर ले या कब्र से बाहर निकाल ले, लेकिन ऐसा नहीं होता. He was about to mad, पागल होने वाला हो जाता है. In order to forget the pain, he decided to visit the French villages. उसके दुख को बुलाने के लिए अपनी वाइफ को वो डिसाइड करता है कि वो दूर दराज इलाकों में चला जाएगा. एंड ही प्लेड म्यूजिक बट पीपल डिड नॉट लाइक हिज म्यूजिक एंड ट्यून्स ऑन हिज लायर. वो म्यूजिक को बजाता है लेकिन लोग जो हैं उसके म्यूजिक को पसंद नहीं करते. ही वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन. वन डे ही वॉज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, वन वुमेन केम देयर. दिस वुमेन वॉज वेरी सैड. एक औरत इसके पास आती है जो कि बहुत ज़्यादा सैड होती है. ही प्लेड इट
टू प्ले सम ट्यून्स फॉर हर, वो रिक्वेस्ट करती है उसे कि उसके लिए कोई ट्यून बजाए वो. ही प्लेड फॉर हर. इमिडिएटली ही बिकम वेरी मच सरप्राइज, वो बड़ा सरप्राइज होता है. आफ्टर लिसनिंग ही इज़ वेरी स्प्लेंडेंट ट्यून्स ऑन द लायर. देन ऑर्फियस रियलाइज दैट ही शुड प्ले हिज म्यूजिक फॉर द सैड ह्यूमैनिटी टू मेक देम प्लीज. फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपने जो ट्यून्स हैं अपनी लायर को सैड लोगों के लिए, दुखी इंसानियत के लिए यूज़ करेगा. सो स्टूडेंट्स, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक द सैड पीपल स्माइल. दूसरों को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होते हैं. अगर हम किसी को खुश करते हैं तो उसके बदले में हमें दिली सुकून भी मिलता है और अल्लाह ताला की तरफ से हमें उसका अजर भी मिलता है. सो इन द होल यूनिट वी हैव लर्नड दैट हाउ कैन वी केयर द अदर पीपल एंड एनिमल्स एज वेल. हाउ कैन वी शो आवर कंपैशन फॉर द सैड ह्यूमैनिटी एंड वट शुड बी आवर पर्पस इन दिस वर्ल्ड एज अ गुड ह्यूमन बीइंग. और इस दुनिया में एक अच्छे इंसान की हैसियत से हमारा किरदार क्या होना चाहिए, हम किस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं. दिस होल यूनिट स्ट्रेस ऑन द